सबसे पहले तो आप लोगों का जिस तरीके से गाना जो आ गया है रब रखा, लोग बहुत ज्यादा अच्छा मतलब रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से हमने देखा काफी व्यूज भी आ रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, एंड आप लोगों को किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? I think we were very surprised. We are touring the country. We've been playing. We've played a few gigs already, kuch 5 cities mein, and people already are coming to the gig and they started to sing, which is the validation we need. Not need, but it works as a validation. Ki people have heard and people have liked the song, and it's always good to hear people singing your songs, of course. Yeah. ओके okay, बहुत सही रिस्पांस मिला है. लाइक ही सेइंग लाइक जब गाना रिलीज होता है तो हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और मैसेजेस जो आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत प्यार मिल रहा है सिंस द सॉन्ग इज रिलीज. और ये गाना हमने बनाया पहले था तो हम लोग स्टेज पे भी काफ़ी टाइम से बजा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स स्टेज ऑन लाइव में भी बहुत सही है. तो अभी लोग गा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, तो इट्स ग्रेट. किस तरीके से शुरुआत हुई इस गाने की अगर बात की? यार ये शुरू हुआ था फ्रॉम अ फोन कॉल. माई मॉम कॉल्ड मी वंस. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बिकॉज देयर सो मेनी एक्सपीरियंसेस यू नो लाइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू काइंड ऑफ स्टीयर थ्रू देम, यू हैव टू पुट मोर फोकस. और जब आप ऐसा करते हो ना तो बिकॉज वी हैव लाइक अ रियली स्मॉल स्पैन ऑफ फोकस एंड अटेंशन बीइंग ह्यूमंस, आप एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो तो कुछ और चीज़ों से थोड़ा फोकस हट जाता है, एंड स्पेशली इट अफेक्ट्स द पीपल यू लव और पीपल लुकिंग आउट फॉर यू. ऐसे में आई गेस समटाइम्स वॉट हैपन्स इज यू हैव टू बिलीव दैट वाइल यू आर मूविंग फॉरवर्ड, वाइल यू आर काइंड ऑफ स्टीयरिंग थ्रू दीज एक्सपीरियंसिस ट्राइंग टू फिगर योर सेल्फ आउट, देयर समथिंग और समबडी वट एवर यू बिलीव इन यू नो विच इज प्रोटेक्टिंग द पीपल यू लव और द पीपल हू लव यू. एंड आई थिंक दैट आइडिया बिकम्स अ बिग मोटिवेशन एट टाइम्स, एंड द सॉन्ग इज जस्ट नोट टू दैट. ओके, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से प्रोसेस था पूरा गाने को पूरा बनाने से लेके पूरा रिलीज करने तक एंड पूरा लिखने से लेके पूरा So basically the song was written 3 years ago when Himanshu and Rajan actually they sat in one sitting and the song was done. So ek din mein 3-4 ghante mein matlab song pura hua tha. And then we've been playing that song for now 3 years. Yeah. And the response has been that people want to hear the record. They're like record kab aa jayega? Kab hum Spotify aur matlab Saavn aur ya Apple Music pe sun sakte hai ye gana? तो हमें इस साल थोड़ा वैलिडेशन मिला जब हमारा रिकॉर्ड लेबल बोला ये सॉन्ग रिलीज करना है, ये अब इसका टाइमिंग अब भी रेडी है, ये सिंगल रिलीज ही करना है. तो वी गॉट टू द स्टूडियो इन डे इन वन डे वी रिकॉर्डेड गिटार्स ड्रम्स वोकल्स बैकिंग वोकल्स आई थिंक वाज एट यशराज स्टूडियो एंड या एंड द सॉन्ग वाज रेडी. आई थिंक वी हैव थैंक अभिषेक गौतम फॉर अ ग्रेट मिक्स and a lot of people were involved in the process also. Yeah. A big shout out to everyone for helping us. Yeah, the biggest shout out to Sony Music India for making us who we are, and letting the world know that you know a band called The Yellow Diary exists. And also special thanks to this director called Vishal Handa, who's worked on the music video for the song, which is going to come out very very soon. Or yeah, that's that. And of course, big love to all the audience and people who follow our music. Aap ho to hum music banate hain, of course. Aapke kya chahiye sir? Really excited for the video to come out. Already itna pyar mil raha hai hame for the song. And this was actually the most requested song whenever we have played live shows. Yeah. And log jo बार बार आते थे शोज के लिए वो साथ में गाने लगते थे, तो तभी हम लोगों को भी हैड द साइंस की ये गाना जब निकलेगा तभी 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 कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है. हिट आई डोंट नो जिंक्स इट बट अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फॉर्म हो रहा है एंड इट्स ऑल लीडिंग अप टू द वीडियो रिलीज, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड. बहुत जल्द बहुत जल्द अगले कुछ 2-3 दिनों में शायद हम लोग इसको रिलीज कर देंगे. इट वाज शॉट लास्ट मंथ एक्चुअली और इट्स बीन एडिटेड सिंस दैट टाइम. तो अभी आई गेस वी आर वेरी क्लोज टू द रिलीज डेट. इट्स वेरी क्लोज. एंड अगर आपके अगर बैंड की अगर बात की जाए तो काफी एक अलग सा नाम है, मतलब जो आपके बैंड का जो नाम है वो कैसे आया, मतलब किस तरीके से हमने किसका आईडिया था? वो एक्चुअली हम लोग का म्यूज़िक ऐसा है कि द लिरिक्स आर रिटन द सॉन्ग्स आर रिटन अबाउट
योर एक्सपीरियंसेस के जो अपने लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपके फिलोसफीज या थॉट्स रहते हैं, तो घर जाके जो डायरी में लिखते हो कि डियर डायरी मैंने ऐसा सोचा या मेरे साथ ऐसा हुआ, तो डायरी का एंगल वहाँ से आया है। और ये जो येलो कलर है वो बहुत अलग टाइप का कलर है, क्योंकि नॉर्मली इसको बहुत ब्राइट हैप्पी कहते हैं, लेकिन इसका एक बहुत डार्क साइड भी रहता है, विच इज़ लाइक फिजिकल इलनेस, सिनिसिज्म वगैरह वगैरह। तो जैसे येलो कलर एक डार्क से ब्राइट उसका मतलब बनता है, वैसे हमारे गाने भी इमोशनली डार्क से ब्राइट होते हैं, लेकिन सम आर हैप्पी सम आर सैड, अलग अलग फिलोसफी है। तो इसलिए द येलो डायरी, बिकॉज एवरी पेज ऑफ द डायरी इज अ डिफरेंट सॉन्ग विद अ डिफरेंट इमोशन। ओके, सो ऑलमोस्ट अब 5 इयर्स 5 साल हो गए हैं आपके बैंड को पूरे, तो किस तरीके से देखते हैं आप लोग इस जर्नी को? आई थिंक इट्स बीन हेवनली, एंड आई थिंक वीव यू नो द काइंड ऑफ ड्रीम्स वी सॉ व्हेन वी स्टार्टेड, वीव क्रॉस देम वे बैक, सो नाउ आई थिंक इट फील्स लाइक लिविंग अ ड्रीम ईच डे, एंड लेट्स होप दिस कंटिन्यूज फॉरएवर। आपके क्या चाहिए? जर्नी के बारे में, आई फील लाइक शुरुआत में जब हम मिले हम सिर्फ म्यूजिशियंस थे एक बैंड में, धीरे धीरे से मतलब सालों खेलते साथ में, शो के बाद हैंग करके म्यूजिक किस म्यूजिक बनाते समय हैंग आउट, उसके बाद म्यूजिक बनाने के बाद हैंग करते हैं, तो अभी दोस्त बन गए, दोस्त से भाई बन गया, अभी तो 5 साल में अभी मेरा फैमिली बड़ा हो गया। जर्नी, या इट्स बीन स्पेशल फॉर श्योर, बट वन थिंग दैट आई सी फॉर द 5 ऑफ अस एस्पेशली इज द फैक्ट दैट वीव ग्रोन अलॉट, वीव बिकम मोर कोहिसिव एज लाइक अ टीम, वीव लर्न टू लाइक यू नो डिटैच द आइडिया ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द थिंग्स दैट ही हैज़ टू से, यू नो कि अगर कोई आइडिया देता है तो वो आइडिया के ऊपर ध्यान दीजिए, वो बंदे के ऊपर ध्यान मत दो, ऐसा। एंड लाइक मैनी सच थिंग्स दैट वीव लर्नड इन दिस होल प्रोसेस दैट हैज हेल्प्ड अस ग्रो नॉट जस्ट एज अ बैंड बट ऑल्सो एज फ्रेंड्स एसेंशियली। आई थिंक 5 साल में हम लोग ने साथ में बहुत चीज़ें देखे हैं, वीव हैड मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, वीव हैड मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, लेकिन जो भी इमोशन है पाँचों ने साथ में उसको बेयर किया हुआ है। और ये जो हाईज और लोज साथ में हम लोग ने गुजारे हैं उसकी वजह से हम लोग बहुत टाइट हो गए हैं एज अ फैमिली। तो अभी वो रोड ट्रिप जैसे होता है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स यार रोड ट्रिप पे जाओ तो मज़ा तो आना ही है, तो वैसा वाइब हो गया कि हम लोग जहाँ जाते हैं हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, तो जो भी करते हैं जितना भी पकाओ चीज़ हो या जितना भी मज़ेदार चीज़ हो हमेशा मज़ा उतना ही आता है हमको। ओके, जब आपसे जानना चाहूँगा, जब 5 साल पहले जब शुरू किया गया तो सोचा था कि मतलब इतना प्यार मिलेगा, और ये 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा समय होता है, लंबा समय होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं था वी, बट हमें एक फेथ था एक दूसरे में, एंड हमें पता था कि हम ठीक है हम ये म्यूजिक बना रहे हैं, बट वेरी अर्ली ऑन ड्यूरिंग आवर जर्नी हमें हर स्टेज में वैलिडेशन मिलते रहे लोगों से, जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों का एक तरीका रहता है, एक वाइब रहता है रिस्पॉन्ड करने का, और हमें लग रहा था कि कुछ तो स्पेशल है, हम कुछ तो कर रहे हैं। वेरी ऑनेस्ट दैट इट वाज नॉट समथिंग कॉन्शियस, एंड वुड लाइक टू स्पीक अप फॉर द 5 ऑफ अस दैट यू नो वी स्टेड ट्रू टू आवर रूट्स। हम एट हर पड़ाव में हमने हमेशा सोचा कि हम जिस रीजन के लिए हमने इस बैंड बनाया था, ये बैंड जो बना था वो रीजन हमारे साथ रहे थ्रू आउट द जर्नी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हम लोग ने सोचा नहीं था कि सोनी म्यूजिक इंडिया जैसे बड़े लेवल एक इंडिपेंडेंट बैंड को फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करेगी, बट वी आर सो हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव टर्नड आउट, एंड लाइक साहिल सेड द वे वी ऑल हैव ग्रोन विद ईच अदर टुगेदर, वो बहुत ही सही है। एंड इन 5 सालों में किस तरीके का बदलाव दिखा है अपने म्यूजिक को लेकर? आई थिंक when you spend a certain amount of time with some people, you realize the boundaries each of us kind of has for ourselves, और उस boundary को आप कितना push कर सकते हो आपको ये समझ में आता है, क्योंकि शुरुआत जब आप शुरू करते हो ना तो आपको लगता है कि चल यहाँ पर ये boundary है, हमें touch नहीं करना है, हमें थोड़ा बच के एक limit में, you know, but by now the bond is so strong that we know कि चल, you know, it's like an elastic, we can, you know, push it a little more to get the best out of somebody. And I think
that only makes you a little more mature because you understand how much you can push a certain somebody and how much you can achieve by pushing that elastic. And just like this new song we've released, and there are these amazing sections on each of the instruments. And I think ये गाना हमने 3 साल पहले बनाया था और तब जब बनाया था तो वो 3 घंटे में हमने बना के छोड़ दिया था और अब इतने सालों में जो हमने इसको प्ले किया है आई थिंक वी हैव ओनली पुश्ड आवर बाउंड्रीज इवन मोर यू नो एंड इट काइंड ऑफ शोज इफ यू लिसन इफ आई एम नाउ दैट वी हर्ड द रिकॉर्डिंग वी मेड बैक देन एंड इफ यू लिसन टू इट नाउ यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ मैच्योरिटी वी हैव अचीव्ड जस्ट बाय पुशिंग आवर बाउंड्रीज एंड आगे जाके और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और क्या नया देखने को मिलेगा मेरे एलिमेंट्स की तरफ से Yeah, we keep writing. I think that's one constant thing apart from time that we basically believe in. Just keep writing, just keep experiencing. और उसके बाद जो opportunities आती हैं वो हर दिन की नहीं होती हैं और हर दिन को उसके हिसाब से जीना चाहिए. And we're open to all of it, to be honest. Whatever comes our way, we'll you know accept it with open arms. Okay, lastly, क्या कहना चाहेंगे तो हमारे viewers देख रहे हैं आपको कौन से कहेंगे? We've just released a new song. Please सुनिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो please हमें बताइए. We are more than happy to engage in conversations with you guys. You can text us on Instagram. You can comment on our posts. And if you like the video which is coming up very soon, you can totally leave your ideas and your what do you call them? Impressions. Your impressions in the comment section. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.